नमस्कार, जी मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं दिनेश शर्मा, डायरेक्ट विद दिनेश। मैं इस बार मेरे साथ हैं अकाली दल के नेता और पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा जी। ढींसा जी, जी मीडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ जी, थैंक यू दिनेश जी। ढींसा जी, 10 साल सत्ता में राज करने के बाद क्या लगता है आपको कि पंजाब फॉरवर्ड गियर में है या रिवर्स गियर में है? नहीं, मैं समझता हूँ हर एक व्यक्ति पंजाब का ये जानता है कि पिछले 10 साल में जी पंजाब ने बहुत तरक्की की है जी। हर तरह से तरक्की की है। इंफ्रास्ट्रक्चर में हमारा बेहतर हुआ है जी। हमारा एजुकेशन सिस्टम में इम्प्रूवमेंट आई है, हमारे हेल्थ सर्विसेज में इम्प्रूवमेंट आई है जी। और ओवरऑल हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो भी आज से बनस्पत 10 साल पहले काफ़ी बेटर है जी। जो हमारे फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो पहले से बेटर हैं। तो मैं ये कह सकता हूँ भी हमने जो पिछले 10 साल में बहुत अच्छा काम किया है जी। लेकिन मार्च में जो कैग की रिपोर्ट आई थी उसमें एक बड़ा ये कहा जाए कि कर्जा पंजाब के ऊपर बताया गया था, तो क्या पंजाब अभी भी आईसीयू में है, आईसीयू से बाहर निकल गया है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। जो कर्जे की आप बात करते हैं वो देखो एब्सोल्यूट टर्म में अगर कुल कर्जा करें वो ज़रूर बढ़ रहा है, हर स्टेट का बढ़ रहा है, हमारे देश का बहुत बढ़ रहा है जी। बट अगर हम उसको अगर हमारा जो जीडीपी है जीएसडीपी है स्टेट का जी, जो कुल घरेलू उत्पाद है अगर उसके साथ हम जोड़ के देखें जी, तो उसमें हमारे आज से 10 साल पहले से बहुत बहुत बेहतर स्थिति में है। आज से 10 साल पहले हमारा डेट टू जीएसडीपी रेशो थी वो 42% और 43% के बीच में थी और आज हमारी डेट टू जीएसडीपी रेशो है पंजाब की वो अराउंड 32% है। सो 10% हमने उसको घटाया है। सो ये ओवरऑल हमारे जो फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं वो बढ़े हैं। हमारा जो जीएसडीपी है जो 1,40,000 करोड़ था आज से 10 साल पहले वो आज बढ़कर 4,22,23,000 करोड़ हो गया है। तो ये सारी अगर आप बातों को देखें तो आप ये समझ सकेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस वो काफ़ी अच्छी रही है। जैसे हमारे जो विरोधी हैं वो चाहे कुछ भी कहें बट जो आंकड़े हैं वो सच बयान करते हैं। ढींसा जी, विरोधी तो ये कहते हैं कि खजाना जो है वो खाली पड़ा है। नहीं नहीं, देखो हमने स्टेप्स लिए हैं जो हमारे पंजाब के सिस्टम को जो फाइनेंशियल्स को ठीक करने के लिए उसके कारण ये हमने अपनी बोरिंग कम की है जी। वो स्वाभाविक है भी कई बार हमारी जो कैश सिचुएशन है उसमें थोड़ी सी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं दिखते, ये तो मानना पड़ेगा बट उसके एक ये कारण है। और दूसरा कारण ये है कि पिछले समय में जो हमारी केंद्र सरकार है उसने हमें क्वार्टरली बोरिंग रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं जी। उसका मतलब है भी पहले था हम साल में जब भी बोरो कर सकते थे जब हम चाहें डिपेंडिंग अपॉन आर नीड्स हमारी ईयरली रिस्ट्रिक्शन होती थी पर अब हमने उन्होंने हमें बदल के क्वार्टरली डाल दी हैं जी। इवनली स्प्रेड आउट कर दी हमारी बोरिंग। उसका नतीजा ये हुआ कि हमारा जो सेकेंड क्वार्टर होता है फाइनेंशियल ईयर का उसमें हमारी रेवेन्यूज काफ़ी कम हो जाते हैं और उसके कारण हमें सेकेंड क्वार्टर में थोड़ी सी मुश्किल आती है क्योंकि बोरिंग्स हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती हैं, हमारी रेवेन्यूज जो कम हो जाती हैं और हमारा जो एक्सपेंडिचर है जो मेनली डेट सर्विसिंग है, सैलरीज है और हमारा नॉन प्लान एक्सपेंडिचर है वो उतना ही रहता है। सो ये सिर्फ 1-2 महीना जो सेकंड क्वार्टर का है उसका जो जो है उसके कारण ये हमेशा ये विरोधी कहते रहते हैं कि जो पंजाब के फाइनेंशियल हालात ठीक नहीं है, बल्कि मैं तो कहूँगा इससे बेहतर फाइनेंशियल हालात पंजाब के पिछले 20-25 साल में कभी भी नहीं हुए जी। लेकिन कर्मचारियों को जो है डीए नहीं मिल पाया, कर्मचारी कह रहे हैं कि खजाना मंत्री तो सही है लेकिन उनका जो खजाना है वो खाली पड़ा है इसीलिए डीए और जो कर्मचारियों को मिलना था वो अभी तक नहीं मिल पाया। नहीं, हमने पिछले डीए भी दिया है और डीए की जो हमने जो पिछले बकाए हैं वो भी हमने क्लियर करने का फैसला कर दिया है और उसके अलावा जी जो है ये हमने नेक्स्ट डीए का भी हम विचार कर रहे हैं, जल्दी हम उस पर फैसला करेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है अभी जब केंद्र सरकार अनाउंस करती है उसके साथ ही स्टेट्स अनाउंस करें जी। स्टेट्स और केंद्र सरकार के अनाउंसमेंट डीए में थोड़ा मोटा अंतर ज़रूर होता है जी। वो हम अभी दूर कर देंगे जी। ढींसा जी, हाल ही में जो
नोटबंदी का फैसला लिया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा, आप उसको कैसे देखते हैं? क्या वो देश हित में है और सही फैसला है, सही दिशा में ये कहा जाए कि कदम उठाया गया? देखिए, मैं समझता हूँ जब कोई, कई बार ऐसा होता है अच्छे काम में थोड़ी सी तकलीफ भी होती है जी। आज लोगों को तकलीफ ज़रूर हो रही है, मैं समझता हूँ, पर ये जो फैसला है वो देश के लोगों के हित में और देश के हित में मैं समझता हूँ प्रधानमंत्री जी ने लिया है, और उसके नतीजे आने वाले समय में हमें पॉजिटिव आएंगे, मुझे इसका पूरा विश्वास है। और जो मेरा अंदाज़ा है इसमें, ओवरऑल आने वाले समय में जीडीपी है जो कंट्री की, वो भी उसमें भी देखने को मिलेगा, क्योंकि जो हमारी इकोनॉमी की कई इनएफिशिएंसीज थी, जो हमारा कुछ पैसा था वो प्रोडक्टिव यूज़ में नहीं आ रहा था, आज वो बैंकिंग सिस्टम में आ गया है, अब वो उसमें ज़्यादा प्रोडक्टिव यूज़ में आएगा और उससे जो है हमारी जीडीपी वो बढ़ेगी, और जो ब्लैक मनी है उसको भी रोकने में कामयाबी मिलेगी। जो हमारे जो मैं समझता हूँ जो इलीगल जो पाकिस्तान या दूसरे कंट्रीज़ की तरफ से जो हमारी फेक करेंसी है आती थी वो भी बंद होगी, टेररिस्ट ऑपरेशन भी उसमें प्रभावित होंगे, ये सब है जो इसके क्यूमुलेटिव इफेक्ट्स हैं जो आने वाले समय में अच्छे होंगे, ये मुझे उम्मीद है। जी ढींसा जी, एक महीने से ज़्यादा इस फैसले को लागू किए हो चुका है, आपको क्या लगता है जो कतारें हैं, जो लाइंस हैं, क्यूज़ हैं एटीएम्स के बाहर, बैंक्स के बाहर, वो कैसे कम होगी? प्रधानमंत्री कहते हैं कि वी हैव टू गो फ्रॉम कैश टू कैशलेस, ये आम जनता के लिए, और लेकिन कैसे होगा, कैसे डिजिटल की तरफ जो है लोग बढ़ेंगे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है कैशलेस इकोनॉमी जिसकी बात हो रही है वो बने? देखिए, मैं इसके दो पहलू हैं, मैं समझूंगा, जो ख़ास तौर पर हमारा मिडिल क्लास है और सैलरीड क्लास है जी, वो कैशलेस में बढ़ने में कोई ज़्यादा समय नहीं लगना चाहिए, वो आई थिंक जल्दी ही कैशलेस इकोनॉमी की तरफ वो बढ़ सकता है। और मैं खुद का उदाहरण देता हूँ, आज से महीने दो महीने पहले तक मैं सारा जो है कैश यूज़ कर रहा था, आज मैं अपना डेबिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, सो ऑटोमेटिकली मैं समझता हूँ विद सच अ सिचुएशन तो खुद ब खुद लोग जो है कैशलेस की तरफ बढ़ रहे हैं, ट्रांजेक्शन बढ़ी हैं जी। मिडिल क्लास और अर्बन में ये जो कैशलेस में कन्वर्ट करना इतना मुश्किल नहीं होगा, बट दूसरी प्रॉब्लम जो ज़्यादा है जी, वो है हमारा जो लोग गांव में बसते हैं या जो लोग पावर्टी में रह रहे हैं, उनको जो है कैशलेस सिस्टम में लाना वो समय भी लगेगा और काफ़ी कठिन भी है, सो हम कैश को एकदम रूल आउट नहीं कर सकते, और कैश को दोबारा इकॉनमी में मोनेटाइज करने में समय लगेगा। अगर हम कहें भी एक महीने में जो कैश बाहर निकला है वो आ जाए, क्योंकि आखिर नोट प्रिंटिंग में समय लगता है, 21 दिन का प्रोटोकॉल है उसका वो पूरा प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन ढींसा जी, विपक्ष कह रहा है जो फैसला लिया गया उसको सही से एग्जीक्यूट नहीं किया गया। नहीं नहीं, देखिए मैं समझता हूँ इससे ये, अगर हम किसी बात को की सीक्रेसी रखना चाहते हैं तो उसको फिर हम कोई साइंस नहीं छोड़ सकते जी। तो गवर्नमेंट ने कोशिश की है भी किसी को वो खबर ना हो कि गवर्नमेंट जो है वो जो डीमोनेटाइजेशन कर रही है, अगर वो पहले कुछ ऐसे स्टेप्स लेते तो हो सकता भी ये बात बाहर निकल आती और उसका जो इफेक्ट गवर्नमेंट चाहती थी वो नहीं होना था। जी, तो आपको लगता है कि इससे कोई अर्थव्यवस्था पर असर पड़ेगा? नहीं, देखिए एक दो क्वार्टर में तो असर पड़ेगा, ये तो सब मानते हैं और ये होगा भी, बट मैं जैसे मैं कह रहा हूँ इसका लॉन्ग टर्म में एक अच्छा पॉजिटिव इफेक्ट होगा हर तरह से जी। ढींसा साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह कह रहे हैं कि जो मोगा में हाल ही में जो रैली हुई उसमें ये कहा जाए कि जो पैसे की बात कर रहे हैं कि जो पैसा बर्बाद हुआ, पैसे की बर्बादी हुई। देखिए मैं ये जो रैली है ये पंजाब के पानियों को बचाने के लिए हमने रैली की है, लोगों को मोबिलाइज करने के लिए, जो पंजाब का आज सबसे अहम मुद्दा है पंजाब के पानी जी। आज अगर पंजाब का जो पानी है वो हमारे पास नहीं रहता या दूसरे प्रदेशों को मिल जाता है, उससे हमारी
जो एग्रीकल्चर ही नहीं बल्कि इंडस्ट्री और सारे सेक्टर प्रभावित होंगे। आज हम 70% जो सब सॉइल वाटर पे डिपेंड करते हैं ट्यूबवेल से जो हम पानी निकाल रहे हैं, और सिर्फ 30% हमें जो हमारे जो एग्रीकल्चर यूज़ के लिए इरिगेशन वाटर अवेलेबल है। अगर जो 30% अवेलेबल है वो भी चला गया तो पंजाब तो मैं समझता हूँ रेगिस्तान बन जाएगा। अगर हम राजस्थान के रेगिस्तान को हरियाला करना चाहते हैं और उसको हरा करने के लिए अगर पंजाब को रेगिस्तान बना दें, इससे बड़ा अन्याय क्या हो सकता है। सो ये जो हमारी रैली थी ये पंजाब के जो सबसे बड़ा मुद्दा है उसको लेकर हमने जो पार्टी ने संघर्ष करने का और आखिरी दम तक लड़ाई लड़ने का जो फैसला किया है उसके लिए लोगों को मोबिलाइज करने की थी। ये जो है मैं समझता हूँ आज सबसे बड़ी ज़रूरत है और सब पार्टीज़ को इस पर इकट्ठा होना चाहिए। इस पर तो पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए क्योंकि जो हमारे हित हैं प्रदेश के वो सबके बराबर हैं। जी, इस मुद्दे पर मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल राष्ट्रपति से मिले और दूसरी तरफ हरियाणा के जो मुख्यमंत्री हैं वो सभी पार्टी के नुमाइंदों के साथ, हरियाणा की जो सभी राजनीतिक दल हैं उनके साथ राष्ट्रपति से मिले, तो पलड़ा किसका भारी है? किस तरफ आपको लगता है कि राष्ट्रपति जो है अपना ये कहा जाए कि फैसला देंगे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की जो राय आई वो पंजाब के खिलाफ गई? नहीं नहीं, देखो सुप्रीम कोर्ट की राय सिर्फ एक मुद्दे पे थी। ये जो टोटल गैम्बिट है हमारा वाटर का, उन्होंने तो सिर्फ जो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस थी जो हमने टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट जो पास किया, क्या वो उसकी लीगैलिटी के बारे में उन्होंने पूछा था? और उस उन्होंने जो अगर हम पंजाब के पानियों की डिवीज़न की बात करें, कैसे बंटवारा हुआ है, रेपेरियन लॉज की बात करें, अगर उस पे जो है प्रेसिडेंट ने कोई रेफरेंस नहीं मांगी, सो वो एक अलग मुद्दा है। तो मैं तो समझता हूँ जो कांग्रेस ने टर्मिनेशन ऑफ वाटर एग्रीमेंट जो किया है वही उनका जो ग्राउंड ही कमज़ोर था जिसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। बट इसके और बहुत पहलू हैं जो आज कई केसेस सेपरेटली हम डिफरेंट लेवल पे गवर्नमेंट लड़ रही है, वो लड़ते रहेंगे। अगर ओवरऑल अगर देखें तो पंजाब के साथ अन्याय इस तरह हुआ है कि सिर्फ जो इंटरनेशनल लॉ है रेपेरियन लॉ वो ये कहते हैं भी जिस प्रदेश में से पानी जो दरिया या नदियां जाती हैं उनका ही हक है, चाहे वो अपर बेसिन स्टेट्स हों चाहे लोअर बेसिन हों, पर जो उस बेसिन में नहीं पड़ते तो उनका तो कोई हक नहीं बनता, ना हरियाणा उसमें पड़ता है ना राजस्थान पड़ता है। बट फिर भी अगर आप देखें पंजाब ने अभी तक जो पास्ट जो पहले पानी जा रहा है उसको अभी हमने नहीं छेड़ा है। अभी तो जो अभी SYL बनाने की बात कर रहे हैं, अब अभी हम सिर्फ उसकी बात कर रहे हैं। अगर हम जो आज पानी जा रहा है हरियाणा को और राजस्थान को अगर हम उसकी बात शुरू करें तो वो भी एक इलीगैलिटी है जो केंद्र सरकार ने बिना राज्य को जो भरोसे में लिए उन्होंने ये फैसला किया था एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के थ्रू, तो उसकी कोई लीगैलिटी मैं समझता हूँ नहीं है। जो हमने अब हमारे पानी से उन्होंने हमसे छीना वो अगर हम करें तो इसका बहुत बड़े रिपरकशन हो सकते हैं। तो एक रिस्पॉन्सिबल पॉलिटिकल पार्टी की तरह हम अपने जो जैसे प्रदेश के जो हित हैं उनको भी ध्यान में रख रहे हैं और नेशनल जो हित हैं वो भी नहीं हम छोड़ रहे हैं। डिंसा, इसका अगर SYL के मुद्दे की बात की जाए तो इसका हल क्या देखते हैं आप? आपकी नज़र में क्या हल है इसका? देखो मैं तो ये समझता हूँ इसका अल्टीमेटली हल है, पहले तो असेस करने की ज़रूरत है भी कितना पानी आज अवेलेबल है। जो पहले जो पानी लेकर जो इन्होंने किया था आज उतना पानी ही नहीं है। आज इनफ्लो जो है इन नदियों में वो ख़त्म कम हो रही है, जो हमारे ग्लेशियर्स हैं वो डिप्लीट कर गए हैं, तो हमारे पास उतना पानी नहीं है। और फिर उस पानी की डिविजन कैसे हो? अगर सरप्लस वाटर है तो दूसरे प्रदेशों को ज़रूर दीजिए, अगर पंजाब के लिए खुद के लिए पानी की कमी है तो फिर तो पहला हक पंजाब का बनता है। तो हम ये समझते हैं और बिना किसी ट्रिब्यूनल के बिना किसी तरीके से ये एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो खुद एक फैसला करके ये पानी का बंटवारा किया यही एक टोटल इलीगैलिटी है। नहीं तो यूजुअली क्या प्रोसेस होता है कि ट्रिब्यूनल बनते हैं और ट्रिब्यूनल डिसाइड करता है नीड बेस्ड
कैसे पानी मिलना चाहिए, वो भी रिपेयरिंग स्टेट्स के बीच में खुद। लेकिन साहब जो नेचुरल रिसोर्सेज है क्या उसके उसके ऊपर केंद्र का ये कहा जाए कि केंद्र का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, सेंट्रल बॉडी नहीं होनी चाहिए ताकि उसका सही से डिस्ट्रीब्यूशन हो, सही से उसको बांटा जा सके? नहीं नहीं, हम ये नहीं कहते केंद्र का, हम कहते हैं एक इंडिपेंडेंट तरीके से जो पानी का फैसला होना चाहिए अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल लॉज। हम सिर्फ ये बात करते हैं, हम और कोई बात नहीं कर रहे जी। ढींसा साहब, पंजाब में पानी वाली बसों को लेकर काफ़ी ये कहा जाए कि चर्चा भी हुई, काफ़ी वो चर्चा में रही, मजाक भी उड़ाया गया। अब ये माना जा रहा है कि कुछ ही दिनों में जो है पानी वाले बसें शुरू हो सकती है, तो क्या कैसे मदद मिलेगी पंजाब को इससे? नहीं देखिए, ये मुद्दा जो है हमारे पंजाब, जैसे आप जानते हैं आज तो सिर्फ 3 रिवर रह गए हैं पंजाब में, बट एक गुड मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट हो सकता है, क्योंकि हमारे कई क्षेत्रों में जहां प्रॉपर जो है मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट नहीं अवेलेबल हैं, या जहां कोई आज ब्रिजेस हैं, क्योंकि हर जगह पे तो ब्रिजेस बन नहीं सकते जी। तो उनकी जहां कमी है वहां इस मोड को हम यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम एक अच्छा जो एम्फीबियस जो हमारे ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स हैं वो अच्छे काम में हमारे आएंगे, और एक दो दिन में आज या कल हमारे ऑनरेबल डिप्टी सीएम वो उसको आज शुरू कर रहे हैं। तो जो हमने वादा, हमारा सिर्फ ये कहने का मकसद है भी जो हमने कहा है वो हमने पूरा करके दिखाया है, चाहे किसी हमने पंजाब को पावर सरप्लस की बात की वो हमने पूरा करके दिखाया जी। अगर हम पंजाब के गरीबों की बात की, पंजाब के लोगों को आटा दाल स्कीम देने की बात की, पंजाब की डेवलपमेंट की बात की, जो भी मुद्दे हमने उठाए इन पिछले चुनाव में उन सबको हमने पूरा किया है। पंजाब को 6 लेन रोड्स और 4 लेन हाईवेज के साथ जोड़ने की बात की वो हमने पूरा किया है। तो सारे जो मुद्दे हैं हम जिनको लेके पिछले चुनाव में गए थे, हमने वो वादा तकरीबन 90% हमने वो पूरे करके दिखाए। तो इन्हीं आप कह रहे हैं कि इन्हीं मुद्दों को लेकर जो है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी गठजोड़ सरकार 2017 के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। लेकिन अगर ये विपक्ष ये कहता है कि जो सरकार की तरफ ये कहा जाए कि एक एंटी इनकम्बेंसी है, आप कह रहे हैं कि इतने सारे आपने जो काम गिनाए फिर भी गुस्सा है लोगों में, क्यों आपको ऐसा लगता है? कि क्या सही में गुस्सा है या फिर ये बदनाम किया जा रहा है सरकार? कई चीज़ें अगर आप समझें, कई मुद्दे ऐसे होते हैं जो नेशनल लेवल के हैं, वो एक स्टेट स्पेसिफिक नहीं है, वो उतनी एंटी इनकम्बेंसी हर स्टेट में वो होती है, चाहे हम बात करें लोअर लेवल करप्शन की हो, चाहे हम करें अनएम्प्लॉयमेंट की बात करें, वो एक ऐसे इशूज़ हैं जो हर किसी को टच करते हैं, और आई थिंक वो किसी गवर्नमेंट के लिए एकदम, अगर हम कहें कि कोई जादू की छड़ी है जिससे हम वो ख़त्म कर सकते हैं, वो पॉसिबल नहीं है। सो वैसी लेवल की जो एंटी इनकम्बेंसी होती है वो स्वाभाविक है, पर उसके अलावा जो हमने काम किए हैं, अगर हमारी कुछ एंटी इनकम्बेंसी भी, मैं उसको डिनाई नहीं करूँगा, जो काम किए हैं उससे हमारी एक पॉजिटिव गुडविल भी बनी है। सो बोथ थिंग्स गो हैंड इन हैंड। तो उस गुडविल के आधार पर हम जो है, अगर हमारा कुछ वोटर का लॉस होता है, कुछ हम गेन भी करेंगे, तो नेट इफेक्ट हमारा मैं समझता हूँ नेगेटिव नहीं होना चाहिए, और हम जो है उसके आधार पे हम जीत के वापस आएंगे जी। ढींसा साहब, आपने कहा लोअर लेवल करप्शन, तो क्या हाई लेवल पे कोई करप्शन नहीं हुई? आप कह रहे हैं कि पिछले 10 साल में, पिछले 4.5 साल में जो सरकार का, ये मौजूदा सरकार का जो कार्यकाल रहा, बेदाग रही सरकार? देखिए, हमने ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए बहुत कदम उठाए हैं। हमने पिछले 10 साल में जो हमारे टेंडरिंग प्रोसेस था, गवर्नमेंट के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको हमने पारदर्शी बनाया, ई टेंडरिंग सिस्टम हमने लागू किया, काफ़ी सक्सेसफुल रहा, हमारे काफ़ी उसमें कॉस्ट कम हुई। सेकेंडली, हमने जो ऐसे केंद्र, सांझ केंद्र, सेवा केंद्र, ऐसे हमने ई गवर्नेंस के जो स्टेप्स लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, सब डिविजन लेवल पे, जिसमें क्या हुआ, हमारी पब्लिक और एडमिनिस्ट्रेशन की इंटरेक्शन कम हो, बिकॉज जहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शन होती है वहीं करप्शन बढ़ती है। सो हमने उसको कम से कम करने की कोशिश की, वो लोगों को जो डायरेक्ट है, जो सर्विसेज उनको चाहिए उसके लिए उनको दफ्तर जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हमारे सुविधा केंद्र, सेवा केंद्र में जाके अपना रजिस्टर कर सकते हैं और उनको वो सुविधाएँ प्रोवाइड होंगी। सो पब्लिक का डायरेक्ट इंटरेक्शन विद एडमिनिस्ट्रेशन
हमने वो कम करने की कोशिश की। सो ऐसे और जो बाकी भी जो हमारे जो फैसले हैं उसमें काफ़ी हद तक हमने पारदर्शिता लाई है। तो इसमें पहले के मुताबिक हमने काफ़ी जो लोगों को इससे राहत मिली है, इंस्पेक्टरी राज था उसको हमने कम किया है। अगर देखें हमने कंपाउंडिंग स्कीम्स निकाली, हमने जो ट्रेडर्स के लिए जो मिनिमम कट ऑफ था वो उसको बढ़ाया और उनको रिलीफ दी, ताकि यू नो इसमें जो करप्शन है वो कम हो सके। अगर हम कहेंगे 100% रेडिकेट कर सकते हैं वो हम नहीं दावा करते, बट काफ़ी हद तक हमारी कोशिश रही है भी उसको हम मिनिमाइज कर सकें। बट ढिंडे साहब, माई क्वेश्चन इज स्ट्रेट, सीधा मेरा सवाल है कि क्या पिछले 4.5 साल में सरकार, ये कहा जाए कि श्रोमणी अकाली दल बीजेपी सरकार बेदाग रही? देखिए बिल्कुल बेदाग रही है। देखो इश्यूज कोई ना कोई इश्यूज को क्रॉप अप करते रहते हैं, ऐसे में नहीं बात करता हूँ, बट उनको सब्सटेंशिएट नहीं हुए हैं वो। दीज हैव बीन ओनली फ्रिवलेस एलिगेशंस। कोई भी एलिगेशन वो है विरोधी पार्टी कोई प्रूव नहीं कर सकी है। उन्होंने ये तो जब एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में एलिगेशंस काउंटर एलिगेशंस तो लगते रहते हैं, बट अनलेस वो उसको किसी भी तरीके से थोड़ा सा भी साबित कर सकें तो ये यू नो दीज आर दे स्टैंड टू बी ओनली यू नो फ्रिवलेस एलिगेशन। तो आप कह रहे हैं जो भी आरोप सरकार के ऊपर लगाए गए वो तथ्यहीन थे, तथ्य नहीं थे उसमें? बिल्कुल बिल्कुल, कोई आज तक नहीं प्रूव कर सके हैं, कोई भी ऑपोजिशन नहीं प्रूव कर सकी है। हिंसा जी, आम आदमी पार्टी के जो संयोजक हैं और दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल, वो कहते हैं कि बीजेपी, अकाली दल, कांग्रेस, ये इकट्ठा मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं 2017 का। देखिए हालात ये हो गए हैं कि केजरीवाल जी का एजेंडा ही नेगेटिव एजेंडा है, सिर्फ उनका कोई वो उनको हर चीज़ में कॉन्स्पिरेसी लगती है। वो जो है कोई भी हर राजनीति पार्टी हर दूसरी पार्टी में जो कोई अगर राजनेता है वो उनको करप्ट लगता है और जो उनकी पार्टी में है वो शायद उनको लगता है इससे ईमानदार कोई नहीं है। सो उनकी राजनीति पे तो मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूँगा, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ जो अकाली दल और कांग्रेस हैं उसकी टोटल आइडियोलॉजी अकाली बीजेपी और कांग्रेस की और हमारी हर तरह से किसी तरह भी मेल नहीं हो सकता। आज से हम पिछले 60 साल से एक दूसरे के खिलाफ हम चुनाव लड़ते रहे हैं और आज भी अगर आप देखेंगे अगर ग्राउंड लेवल से जो आज हमें रिपोर्ट्स आ रही हैं वो दोबारा जो है इस चुनाव में भी अकाली भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही मुकाबला होने वाला है। तो आप सीधा कह रहे हैं कि मुकाबला अगर जो 2017 का है वो सीधा है शिरोमणि अकाली दल बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मुकाबला है? बिल्कुल, देखिए मैं ये बात नहीं डिनाई करूंगा कि पिछले समय में आम आदमी पार्टी ने पंजाब में इनरोड्स जो बनाए थे, पर पिछले 3-4 महीने में जो उनकी पार्टी के नेताओं की और जो उनकी कार्रवाइयाँ रही हैं उससे लोग आज उनका लोगों का विश्वास उठता जा रहा है और आज धीरे धीरे जो आम आदमी पार्टी है वो हाशिए पे जाती नज़र आ रही है पंजाब में और रिजल्ट्स भी आपको ये साबित करेंगे भी वो अपनी ग्राफ को नीचे जाता देखकर वो ऐसी बातें कर रहे हैं केजरीवाल जी भी ये मिले हुए हैं ये इकट्ठे हैं। हमारी तो बादल साहब ने कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ केस दर्ज किया, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बादल साहब और सुखबीर जी को जेल में डाला, तो हमारा तो किसी तरह उनके साथ समझौता संभव ही नहीं है। हो सकता है आम आदमी पार्टी का उनके साथ कोई हो सके, दिल्ली में भी उन्होंने किया पहले कहते थे भी हम किसी का समझौता नहीं करेंगे। सो अरविंद केजरीवाल जी की किसी बात पे विश्वास करना मुझे लगता है ये किसी तरह से भी सही नहीं होगा। जी, वो कहते हैं ये आरोप लगाते हैं कि आम आदमी पार्टी की तरफ से ये आरोप लगता है कि केस मामले ज़रूर दर्ज किए गए कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ अकाली दल सरकार द्वारा, लेकिन वो कहीं अंजाम तक नहीं पहुंचे, कहीं ना कहीं जो है वो कहते हैं कि कहीं इसमें साठगांठ उनको नज़र आती है। देखिए मेरी बात सुनिए, ये तो लीगल प्रोसेस है ये हमारे हाथ में थोड़ा ना है। हमने तो
वो केस फाइल करके कोर्ट में, कोर्ट में अपीयरेंस होती रही है कैप्टन अमरिंदर सिंह की। अब उसको कितनी जल्दी उन केसेस को फाइनलाइज करना है, उस पर फैसला देना, ये तो कोर्ट के हाथ में है जी, तो सरकार के हाथ में थोड़ा ना है। तो ये हमें भी पता है हमारे हिंदुस्तान में जो जुडिशियल प्रोसेस है उसमें समय लगता है जी, तो समय लगेगा तो अगर जो भी दोषी होगा उसको सजा मिलेगी जी। तो उसमें अकाली दल ने तो, हमने तो उनके अगेंस्ट चार्जेस फ्रेम करने थे, हमने फ्रेम करके चार्जेस कोर्ट में हमने डाल दिए, भेज दिए जी। ढींसा साहब, आप कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जो है पंजाब में कहीं रेस में नहीं, रेस में पीछे छूट गई है, क्या कारण है आपको लगता है कि आम आदमी पार्टी जो है, जो ये माना जा रहा था कि दावे किए जा रहे थे कि सरकार जो है आम आदमी पार्टी की बनने वाली है पंजाब में 2017 में, क्या कारण रहा आपको जो लगता है कि वो रेस में पीछे रह गई है, रेस में पीछे है? जो अरविंद केजरीवाल जिस तरह के लोगों को प्रोमिसेस कर रहे थे वो सिर्फ सिर्फ झूठ था। टेली में उनकी जो परफॉर्मेंस अगर आप देखें तो वो किसी तरह से भी उस संतोषजनक नहीं रही है, और आज दिल्ली के लोग भी उनकी जो परफॉर्मेंस से दुखी हैं। तो धीरे धीरे देखिए, आज दुनिया छोटी होती जा रही है, लोगों पर जो है बात पहुँच जाती है। उनकी पार्टी जो पंजाब में है वो बिखर चुकी है, उनकी खुद पार्टी के जो काडर हैं उनके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर टिकट बेचने के, उनकी पार्टी के ऊपर हर रोज़ नए एलिगेशंस लग रहे हैं, तो कितनी बातें। और सेकेंडली, आप क्या करेंगे, आप बेहतरी किस तरह से पंजाब की, पंजाब के लोगों के लिए आप में, आपके मन में क्या भावना है, क्या आप करना चाहते हैं, कैसे उनकी तरक्की करना चाहते हैं? अगर आप सिर्फ नेगेटिव एजेंडा करेंगे, मैं उसको जेल में डाल दूंगा, उसने ये कर दिया, उसने ये कर दिया, तो वो तो लोग आज हर आदमी को पता है भी किसने क्या किया है, लोग चाहते हैं भी आप क्या करेंगे। तो उनका एजेंडा जो पॉलिटिक्स है आज तक मैं देख रहा हूँ वो सिर्फ क्रिटिसिज्म की और नेगेटिव जो पॉलिटिक्स रही है, जो आज लोग, इसी कारण है भी आज लोगों का आम आदमी पार्टी से विश्वास जो है कम होता जा रहा है जी। ढींसा साहब, अगर मैं कहूँ कि पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में 3 ऐसे बड़े काम जो इस सरकार ने किए हो आम जनता के लिए। देखिए, हमने रूरल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसको हमने बेहतर किया है, हमने प्रो पुअर पॉलिसीज जो थी उनको बड़े अच्छे ढंग से हमने लागू किया है, और थर्डली हमने जो एजुकेशनल और हेल्थ सेक्टर का इंफ्रास्ट्रक्चर भी ठीक किया है, और उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट हम लेके आए हैं। ये जो हो गए हमारे एडमिनिस्ट्रेटिवली, और उसके अलावा जो हमारी अमन शांति और भाईचारक एकता है जो पंजाब में हमेशा बहुत एक अहम ज़रूरत रही है, तो उसमें भी हमने काफ़ी सफल रहे हैं। कभी कोई भी मैं समझता हूँ कोई कॉम्युनल हारमनी को हमने ठेस नहीं पहुँचने दी है, हमने कॉम्युनल हारमनी पंजाब में मेंटेन की है, ये हमारी सबसे बड़ी हम प्राप्तियाँ समझते हैं जी। ढींसा जी, हंस राज हंस जो कि अकाली दल में थे, फिर कांग्रेस में गए, अब वापस बीजेपी में आ गए हैं, वो कह रहे हैं कि उनकी घर वापसी हुई है, तो फायदा होगा इससे बीजेपी और अकाली दल सरकार को? देखिए, मैं समझता हूँ हंसराज हंस जी को जल्दी ही पता चल गया भी कांग्रेस क्या है। कांग्रेस जो है उन्होंने उनको बहुत बहुत बड़े बड़े वादे करके उनको लेके गए जी, और उनको एक भी उनका वादा मुझे लगता है उन्होंने पूरा नहीं किया होगा, और कांग्रेस पार्टी की फंक्शनिंग से ही वो दुखी होके वापस आज हमारी अलायंस में वापस आए हैं। तो मैं तो इतने कह सकता हूँ भी हमारी जो ये अलायंस है इसने अभी तक जी जो वादे किए हैं लोगों को उनको वो पूरा किया है, और कभी भी किसी को गलत वादा जो करने से संकोच किया है। जो आज एक पॉलिटिकल पार्टीज में दौड़ लगी हुई है लोगों को झूठे वादे करने की, वो कभी भी इस अलायंस ने उस पर विश्वास नहीं रखा जी। ढींसा जी, लेकिन कई नेता ऐसे भी जो हैं जो कि शिरोमणि अकाली दल छोड़ के भी गए, जैसे अगर परगट सिंह की बात करें, वो विधायक थे, आपकी पार्टी छोड़ कर गए, और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का हाथ थामा है, साथ ही बीजेपी से डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू, उन्होंने भी कांग्रेस का हाथ थामा है, सरकार में भी रही वो वहाँ पर, तो आपको लगता है कि उनके जाने से जो आपको नुकसान होगा, शिरोमणि अकाली दल को नुकसान होगा?
नहीं नहीं, मैं नहीं समझता कोई नुकसान होगा। देखिए पार्टीज में लोग आते हैं जाते हैं जी, उससे पार्टी की अल्टीमेटली जो पार्टी की आइडियोलॉजी है वो मैटर करती है, और जो लोग हैं वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ बड़ी सीमित लोग जुड़े होते हैं, ज़्यादातर लोग हैं वो आइडियोलॉजी के साथ जुड़े होते हैं, और इसलिए उनके जाने से, उनके वो जो गए अपने पर्सनल एजेंडा के साथ गए हैं, उनके कोई पर्सनल रीजंस थे जिनके कारण वो छोड़ के गए हैं, कोई आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस मैं नहीं समझता जिनके कारण वो गए हैं, तो उसका कोई असर नहीं पड़ेगा जी। ये भी माना जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू जो हैं वो कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं, तो उनके कांग्रेस में शामिल होने से क्या आपको लगता है कि आपको नुकसान होगा श्रोमणि अकाली दल बीजेपी को 2017 में? नहीं, देखिए अब जो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं उन्होंने अपनी जो पिछले 4-5 महीने में है उन्होंने काफ़ी अपनी जो शाख है उसको खोरा लगाया उनकी को, उसका कारण ही है, लोगों ने देखा है भी जो वो बड़ी बड़ी बातें करते थे भी मैं ये करूँगा मैं वो करूँगा, तो धीरे धीरे लोगों ने रियलाइज़ किया कि वो तो खुद अपनी सौदेबाजी कर रहे हैं, कभी आम आदमी के साथ कभी कांग्रेस के साथ, तो उनको भी अपने पर्सनल एजेंडाज को लेकिन ढींसा साहब डॉक्टर नवजोत कौर सिद्धू कहती हैं कि ये उनका जो परिवार है कोई सौदेबाजी नहीं करता, कांग्रेस में भी अगर वो शामिल हुई हैं या सिद्धू अगर कांग्रेस में शामिल होते हैं तो उनकी कोई शर्त नहीं है, बिना शर्त वो शामिल होंगे। देखिए वो उनके कहने की बात है जी, वो तो कहेंगे, बट लोगों को सब पता है, लोग देख रहे थे भी पहले ही, उन्होंने आम आदमी के साथ भी उनकी डिस्कशन चलती रही, उनकी पार्टी जीती, वो पार्टी भी उनकी इसलिए जो उन्होंने एक गठजोड़ बनाया था वो इसलिए फट गया, कुछ आम आदमी पार्टी में चले गए बैंस ब्रदर्स और प्रगट सिंह और नवजोत सिद्धू कांग्रेस में चले गए, क्योंकि उनको उधर से अच्छा जो सौदा मिल गया और इनको इधर से अच्छा सौदा मिल गया, तो ये राजनीति है इनकी, तो मैं समझता हूँ नवजोत सिंह सिद्धू को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है पिछले 4-5 महीने में जो उन्होंने अपनी पार्टी छोड़ी, अगर समवन इफ आई कैन से हु हैज बीन द बिगेस्ट लूजर इन द पास्ट 6 मंथ्स वो नवजोत सिंह सिद्धू जी हैं, उन्होंने उनको बहुत बड़ी इससे नुकसान हुआ है जो उन्होंने बीजेपी को छोड़ा है, और 6 महीने में जो उनके दूसरी पार्टियों से बातचीत चलती रही है उससे उनको बहुत नुकसान हुआ है जी। ढींसा साहब, कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते हैं कि कांग्रेस जो है अगर हाल ही की बात की जाए, हाल ही की जो रिपोर्ट्स हैं ग्राउंड रिपोर्ट्स हैं, कांग्रेस पंजाब में नंबर वन पार्टी है अभी। देखिए वो तो पिछली चुनाव में भी अगर आप देखें कांग्रेस ने तो अपनी जीत का ऐलान कर दिया था जी, उन्होंने जश्न मनाने शुरू कर दिए थे, नतीजा क्या हुआ वो आप सब जानते हैं जी, इसलिए उनकी ओवर एंथुजियाज्म को मैं कोई ज़्यादा सीरियसली नहीं लूँगा। अभी 2 महीने में आप देखेंगे भी अल्टीमेटली अकाली भाजपा जो सरकार है जो वो वापस आएगी जी। ढींसा साहब, आप सुनाम से जो है 2 बार विधायक बने और मंत्री भी बने, सरकार में वित्त मंत्री हैं, फिर सुनाम से सीट बदल कर आप लहरगागा क्यों चले गए? क्या विरोधी कहते हैं कि आप डर गए, डर कर भाग गए? नहीं, देखिए कोई बात नहीं है, मैं पहले तो मैं 4 बार सुनाम से विधायक रहा हूँ जी लगातार, और पिछले 5 बार से जो लहरगागा है उधर से कांग्रेस जीतती आ रही है, सो मेरी पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है कि वो सीट जो लगातार 5 बार जो हारी है उसको आपने जीतना है, और अगर मैं उधर छोड़ के आप समझते हैं तो आप कह रहे हैं कि आप भाग के नहीं गए बल्कि पार्टी ने आपको जिम्मेवारी दी और इसलिए आप जो है लहरगागा से चुनाव लड़ रहे हैं। सीट जीतनी है, वो चुनाव लड़े और सीट जीते जी, अगर मैं भागा होता तो मैं किसी सेफ सीट पे जाता जी, जहाँ अगर मैं एक्सीएम के साथ चुनाव लड़ने के लिए जा रहा हूँ तो मैं भाग के थोड़ा जा रहा हूँ, मैं तो मेरा ये है भी जो सीट 5 बार लगातार कांग्रेस जीत चुकी है उसको अकाली दल भाजपा गठजोड़ को जिताना है, और सेकेंडली जो है हमारी पिछले 4 टर्म्स में अगर आप देखें तो जो सुनाम के लिए मैंने किया है
वो आज भी लोग उसकी प्रशंसा और सराहना करते हैं, और इसलिए ये जो एलिगेशन है ये विरोधी तो पार्टी को ये विश्वास है कि सुनाम तो जीती हुई है, आप लहरा गागा उनको जिताएंगे। बिल्कुल, पार्टी को पूरा विश्वास है और तभी उन्होंने मुझे ये जिम्मेवारी दी है जी। लेकिन डीएनसी साहब, आपको नहीं लगता जो आपका मुकाबला है वो राजेंद्र कौल भट्टल, जो कि कांग्रेस की वरिष्ठ नेता हैं और वहाँ से विधायक, ये कहा जाए कि मुख्यमंत्री भी रही वो पंजाब की, एक कड़ा मुकाबला, आपको कड़ा मुकाबला वहाँ से फेस करना पड़ेगा उनके खिलाफ? देखिए, कड़ा मुकाबला तो मुझे पता है होगा ही, तो वही सोच के मैं गया हूँ, और पर मुझे विश्वास है कि हम अल्टीमेटली वो जीत प्राप्त करेंगे, और सियासत तो यही कहती है भी अगर एक एक सीट मैटर करती है, और हम अगर जहां कांग्रेस स्ट्रांग है अगर उधर हम अग्रेसिव पोस्टरिंग करेंगे वो सीटें जीतेंगे तो हमारी सरकार स्वाभाविक है बनेगी जी। सो यू आर रेडी टू फेस द चैलेंज, कोई डर नहीं है मतलब? या बिल्कुल बिल्कुल, एंड आई थिंक जो पार्टी ने मुझे जिम्मेवारी दी है उसको मैं पूरा निभाऊंगा, और उसको उनकी पार्टी की आशाओं और उम्मीदों पे पूरा भी उतरूंगा जी। ढींसा साहब, अगर गठजोड़ की बात करें, अकाली दल बीजेपी गठजोड़ की बात करें, तो कहीं ना कहीं बीजेपी में टिकटों को लेकर जो है वो नाराजगी है कहीं ना कहीं, आपको लगता है कि आने वाले दिनों में जो है उसको लेकर जो नाराजगी है आपस में गठजोड़ में, उसको ठीक से निपटा लिया जाएगा, उसको ये कहा जाए कि सॉर्ट आउट कर लिया जाएगा? नहीं, अकाली भाजपा में तो कोई फर्क नहीं है, हमने जो अंडरस्टैंडिंग है, जो पहले सीट्स अकाली दल ने लड़ी थी वही आज लड़ रहे हैं जी, और भाजपा जो भाजपा ने लड़ी थी वो लड़ रहे हैं। कुछ सीट्स को लेकर जो बंटवारा है ये कहा जाए उसमें कहीं ना कहीं दिक्कत है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो कोई बात ऐसी नजर नहीं आती जी, तो आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन हो तो मुझे पता नहीं है जी। मुझे आज तक कोई ऐसी बात नहीं लग रही है, मेरी रोज भाजपा के साथ मीटिंग्स होती हैं, तो हर फंक्शन में अकाली दल और भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वो इकट्ठे जो है रैलीज को संबोधन करते हैं, इकट्ठे प्रोग्राम्स अटेंड करते हैं, कैबिनेट मीटिंग्स में भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री भाग लेते हैं। अगर कोई ऐसी बात होती तो कुछ ना कुछ तो सामने आता है, ऐसी कोई मुझे तो महसूस नहीं हो रही है ऐसी बात जी। जगदीश साहनी है, उन्होंने नाराजगी जताई थी विजय सांपला जो बीजेपी पंजाब के जो प्रधान है उनके साथ बातचीत, ये कहा जा कि बैठक में, तो ये भी कहा जा रहा था कि उसको लेकर वो नाराज हैं, और उन्होंने साफ तौर पर अपनी जो है नाराजगी पार्टी अध्यक्ष पंजाब के जो हैं बीजेपी के उनके सामने जताई है। देखिए, उनकी लीडर्स, देखो हर 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 जो लीडर है वो चाहता है मुझे टिकट मिले, तो जो टिकट जो सीट हमारे अकाली दल के पास है तो उधर से हमारे अकाली दल के नेता लड़ेंगे जी। तो उन्होंने हो सकता है बात की हो अपनी हाईकमांड के साथ भी, ये जो सीट है ये भाजपा ले जी। बट वो तो पहले ही जो हम पिछले चुनाव में जो चुनाव जहाँ जहाँ से जौन सी पार्टी लड़ी है वहीं से वो पार्टी टिकट दे रही है, तो इसलिए कोई उनकी नाराजगी हो वो तो मैं समझ सकता हूँ, बट अकाली भाजपा में खुद कोई डिफरेंस है ऐसी बात मुझे नजर नहीं आती जी। ढींसा साहब, जलालाबाद से उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल के खिलाफ आम आदमी पार्टी के जो नेता हैं भगवंत मान, उनको उतारा गया है, वो मैदान में सामने होंगे, आपको लगता है कि दिक्कत होगी कहीं ना कहीं? देखिए, कोई दिक्कत नहीं होगी, और हमारे जो डिप्टी सीएम हैं पार्टी के अध्यक्ष हैं वो बड़े मार्जिन से वहाँ से जीत के आएंगे, और मैं समझता हूँ भगवंत मान को उधर से लड़ाना ये भी आम आदमी पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स का नतीजा है, शायद वो भगवंत मान को किसी ना किसी तरह से नीचा दिखाना चाहने के लिए ही उसको, क्योंकि हर व्यक्ति को पता है भी वहाँ किसी भी पार्टी का कोई व्यक्ति मुकाबला नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने भगवंत मान को लड़ा के उधर से अगर वो हार जाएं तो उनका जो छवि होगी उस पे असर पड़ेगा, उनका जो कद है वो कम होगा, तो शायद यही सोच के ये मैं तो समझता हूँ उनकी इंटरनल पॉलिटिक्स का ही नतीजा है भी भगवंत मान को लड़ाया, हमें हमारी पार्टी को हमारे अध्यक्ष को वहाँ से कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है चुनाव में जी। ढींसा जी, तो क्या शिरोमणि अकाली दल के जो प्रधान है सुखबीर सिंह बादल वो एक ही सीट से चुनाव लड़ेंगे या जलालाबाद से ही चुनाव लड़ेंगे या एक से ज़्यादा दो सीटों से भी चुनाव लड़ सकते हैं?
देखिए कहाँ से कितनी सीट से लड़ना है वो तो फैसला उन्होंने करना है जी, बट मैं ये कह सकता हूँ जलालाबाद से वो चुनाव अवश्य लड़ेंगे। ढींसा जी, अगर ये कहा जाए, ये माना जाता है कि आपको आपकी छवि की अगर बात की जाए तो ये कहा जाता है कि आपके जो नेता हैं, अगर मुख्यमंत्री की बात करें, उप मुख्यमंत्री की बात करें, वो वोकल हैं एकदम, ये कहा जाए कि, और आपकी जो छवि है वो आपका, आपको कहा जाता है कि यू आर वेरी सॉफ्ट। देखिए ये तो हर व्यक्ति की अपनी एक कैरेक्टर होता है जी, एक जो पब्लिक में जो उनका एक खुद की हर की व्यक्ति की अपनी इमेज होती है, कोई पॉलिटिकली एग्रेसिव होते हैं जी, कोई उतने एग्रेसिव नहीं होते हैं, हर की अपना पॉलिटिक्स का तरीका है जी। सो मैं आई थिंक बाय नेचर आई मे बी सॉफ्ट, तो इसमें तो हर कोई व्यक्ति सेम नहीं होता जी, बट आई फील हमारे जो मुख्यमंत्री हैं सरदार प्रकाश सिंह बादल और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल जी से मैंने बहुत कुछ सीखा है पिछले 10 साल में जी, और वो मुझे मेरी राजनीति में वो काफ़ी काम आया है जी, बट बाकी जो नेचर है वो तो हर व्यक्ति की सेपरेट होती है। और जी ढींसा जी, आपने दोनों के साथ काम किया है, मुख्यमंत्री के साथ भी आपने काम किया है प्रकाश सिंह बादल जी के साथ, और उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल के साथ भी, दोनों की अगर बात की जाए क्या डिफरेंसेस है दोनों के साथ काम करने का, मतलब अगर आपके लिहाज से देखा जाए आपकी डिफरेंस की बजाय मैं तो ये समझता हूँ बोथ कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। जो सरदार प्रकाश सिंह बादल हैं वो ग्राउंड लेवल पे वो काम करने वाले और हर एक व्यक्ति को टच करने वाले, उनकी नब्ज को टच करने वाले जी, और जी, एक ग्राउंड लेवल तक नीचे से नीचे लेवल तक जाने वाले एक नेता हैं जी, और सुखबीर सिंह बादल मैं ये कह सकता हूँ ही इज़ अ डिसीजन मेकर एंड ही इज़ अ विजनरी, सो ही हैज़ जो उन्होंने पंजाब की एक विजन बनाई थी जी, एक वो काफ़ी हद तक उस उन्होंने उसको जैसे भी कहें पूरा किया है जी, और पंजाब का जो डेवलपमेंट एजेंडा है वो उन्होंने बनाया, सो दोनों का काम करने का तरीका चाहे सेपरेट है बट आई थिंक इस गवर्नमेंट का जो सक्सेस का कारण भी यही है भी दैट बोथ द लीडर्स आर लीडर्स दे कॉम्प्लीमेंट ईच अदर जी, और वो एक दूसरे की जहाँ भी हो वो उसको कॉम्प्लीमेंट कर लेते हैं जी। ढींसा जी, एक आखिरी सवाल, पंजाब की जनता, पंजाब के लोग ये जानना चाहते हैं कि आपके शौक क्या हैं, व्हाट आर योर हॉबीज? सी आई लाइक ट्रैवलिंग देन और मुझे हिस्टोरिकल बुक्स रीड करने का शौक़ है, कभी समय मिले तो आई लाइक ट्रैकिंग एंड हाइकिंग, सो ये बड़े सिंपल से शौक़ हैं मेरे। ढींसा साहब, जी मीडिया से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद एंड विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू दिनेश जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी। ये थे पंजाब के वित्त मंत्री परमिंदर सिंह ढींसा, इनसे हमारी बातचीत आपको कैसी लगी आप हमको ट्वीट कर सकते हैं SDINESHAA पर। आप देखते रहिए जी मीडिया, नमस्कार।